कैसे हैं आप सभी तो आई टी फोर जीरो टू आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके होंगे दो घंटे मैक्सिमम टाइम है इस पेपर का पचास नंबर का पेपर है और जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सबने पहले से सीबीएसई की जो टेंथ क्लास के लिए वही नाइन्थ क्लास के लिए भी फॉलोअप हो रही है और इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी पहला जो सेक्शन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें से आपके थर्टी क्वेश्चन होंगे जिसमें से चौबीस मार्क्स आपको अटेंड करने हैं यानी कि ट्वेंटी फोर ही आपको पिकअप करने हैं और ये थर्टी क्वेश्चन भी आपके फाइव क्वेश्चन के सब पार्ट होंगे सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सुमन लिव्स एट अ हॉस्टल इन देहरादून उसे अपने मम्मी से कुछ मंगाना है कुछ परमिशन लेनी है तो वो कौन सा बेस्ट मेथड यूज करेगी ईमेल लेटर मैसेज थ्रू फ्रेंड या फिर फैक्स तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर बोल्ड हो रखा है रेड कलर में ई उसका करेक्ट आंसर है डैश इज द स्टडी ऑफ साउंड दैट वी मेक वेन वी स्पीक वो कौन सी स्टडी है साउंड के बारे में जब हम बोलते हैं तो वो फोनेटिक्स है देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोट पैड फाइल द वैलिडन इज डॉट पी एक्स टी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद सेल्फ मैनेजमेंट ये भी सही आंसर हो सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर पर्सनल हाइजीन ये ग्रूमिंग से रिलेटेड है तो आप इनमें कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं तो ये आपका रिलेट करेगा इस क्वेश्चन के साथ में डैश इज री यूजिंग सम कॉम्पोनेंट ऑफ द वेस्ट दैट मी हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू तो द आंसर इज रीसाइकिल रीसाइकलिंग ही वो ऑप्शन है जिसपे आप जो कंपोनेंट्स है उस वेस्ट का रिसाइकलिंग करके इकोनॉमिक वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये जो छह क्वेश्चन थे ये एम्प्लॉयबिलिटी से थे जिसमें से कोई आपको चार करने थे तो चार नंबर यहां पर एम्प्लॉयिलिटी के कवर हो गए हैं जैसा की हमें पता है कि एम्प्लॉबिलिटी स्किल्स हमारी दस नंबर की है और बाकी जो रेस्ट बुक है सेकेंड वाली वो आपकी चालीस नंबर की है फोर्टी मार्क्स की है तो दोनों के मिला के फिफ्टी मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन पर देखते हैं ऑरेंज लेटर्स डिनोट रॉन्ग इनपुट्स विद इन द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम तो ऑरेंज यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स में डाला हुआ था हमने क्वेश्चन में आपके लिए मार्किंग स्कीम बनाई है तो यहाँ पर आंसर भी हमने साथ में दे दिया है द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन डैश द आंसर इज डब्ल्यू पी एम वर्ड पर मिनट द न्यूमेरिक की पैड हैज फाइव कॉलम्स एंड फोर रोज तो यहाँ पे फाइव और फोर आपका फिलिंदा ब्लैंक्स का पार्ट था जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है बट आप इसको समझ लीजिए कि जो न्यूमेरिक की पैड होता है वो उसमें पांच कॉलम और चार रोज होती हैं, तो ये एक फिलअप्स का क्वेश्चन यहाँ पर बना है ऐसे ही सिंबल ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप तो आंसर इज सिंबल्स ग्रुप इसी तरीके से डैश इज अज्ड टू वर्क एट होम टू डू हाउस होल्ड अकाउंट प्ले गेम सर्व द वेब ई मेल क्रिएट म्यूजिक एंड एंड समर हॉबीज आंसर इज पीसी और कंप्यूटर और या इससे रिलेटेड कोई वर्ड लिखते हैं तो वो भी आपका कंसिडर किया जा सकता है बीपीओ और बीपीएम यही वो सर्विसेज हैं द डैश सर्विसेज मीन परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर तो बीपीओ या बीपीएम में आप कुछ लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑप्शन इज यूज टू सी

तो ये फिर आपका लैंडस्केप हो जाएगा तो दोनों में से कोई भी आपका आंसर सही जाएगा नेक्स्ट है सेविंग एन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद सम अदर नेम यूजिंग द ऑप्शन सेव एज नेक्स्ट क्वेश्चन है अ आंसर इज एल एम एस लाइक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और डैश ऑर्गेनाइजेशन केटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स तो आंसर इज जी आई सी ऐसे ही आर डैश कैन ऑल्सो बी अ क्विक वे टू टेक अ लिस्ट ऑफ पीपल्स मेलिंग एड्रेस एंड जनरेट लेबल्स और एनवलप्स द आंसर इज मेल मर्ज तो ये आपके यहां पर तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं पहले क्वेश्चन में आपको कोई चार क्वेश्चन करने थे सेकंड में आपको कोई पांच करने थे छह क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री में भी छह क्वेश्चन है कोई पांच आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं यहाँ पर भी छे हैं कोई पांच करने हैं अ की बोर्ड जनरली हैज मोर देन हंड्रेड कीज टच टाइपिंग टिपिकली इन्वॉल्व प्लेसिंग द एट फिंगर्स एन एवरेज प्रोफेशनल टाइपिस्ट टाइपअली इन स्पीड ऑफ फिफ्टी टू एट्टी वर्ड पर मिनट रिवर्सिंग एन एक्शन इज कॉल्ड अंडू ऑटो ऑटो स्पेल चेक या फिर करेक्ट ही वो ऑप्शन है जो आपके हर वर्ड को कई बार चेक करता है और उसको वेवी रेड लाइन दे देता है अगर आपकी वो अनऑर्गेनाइज होती है वो स्पेलिंग को एरर होती है उसके अंदर तो ये ऑटो स्पेल चेक या फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शन के थ्रू होता है और यहां पर लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की इज टू इंसर्ट अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट तो आंसर इज कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आते हैं यहां पर भी छे क्वेश्चन है कोई पांच करने हैं डैश मीन क्रिएटिंग मैनेजिंग स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन द आंसर इज आई टी एस इज ऑल्सो कॉल्ड वेब अनेबल्ड सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज दैट कवर द एंटायर ऑपरेशन दैट एक्सप्लॉयड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग द दफिशियंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये आप यहां पर आंसर फिल करेंगे ऐसे ही थर्ड है एल्फाबेट्स डैश और होम कीज एंड द डैश फॉर द राइट हैंड साइड तो ये आपकी होम कीज में ए एस डी एफ और एल के जे सेमी कॉलन ये आपके आंसर यहां पर फिल हो जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन है द लेसन कंट्रोल पैनल कैन बी यूज फॉर अनेबल डिसेबल साउंड या फिर एडजस्ट द वॉल्यूम इनमें कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हैं टू सेटअप अ पेज द आंसर इज पेज सेटअप अमाउस प्राइमरली कंप्राइज ऑफ थ्री पार्ट तो बुक के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट हैं तो आप माइंड में मत रखिए लेफ्ट क्लिक है राइट right क्लिक है तो बीच में एक स्क्रॉलर भी है तो तीन पार्ट होते हैं आपके एक माउस के टिपिकली नॉर्मली तो ये यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि आपके तीस क्वेश्चन है यानी वन टू थ्री फोर फाइव और उसके सब पार्ट इसमें से कोई भी 24 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइक फाइव में से भी पांच करने हैं क्वेश्चन नंबर फोर में से पांच करने हैं और ऐसे ही जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें से कोई चार क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका एक्सप्लेन एनी टू ऑफ सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन यहां पे भी पांच क्वेश्चन है कोई तीन आपको अटेम्प्ट करने हैं दो नंबर के क्वेश्चन है तो यहां पर ये सेवन सीज के हमने एग्जांपल्स के स्क्रीन शॉट लगाया है क्लियर कंसाइज कंक्रीट करेक्ट क्वेरेंट कंप्लीट करटियस तो इनमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द पर्पज ऑफ द आईओ डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस की क्या यूजेस हैं तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के यूज लिख दिए हैं इनपुट में आपका की बोर्ड माउस वेब कैमरा माइक्रोफोन आउटपुट में आपका मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर ये सब आ जाएंगे और इनका क्या यूज होता है आप थोड़ा थोड़ा यूज बता देंगे जरूरी नहीं है आप यही डेफिनेशन लिखें बस ये आपके समझने के लिए है और आप अपने हिसाब से भी अपनी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आर द की डिफरेंसेज बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या होता है सर्विस बेस्ड क्या होता है प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर सीन एंड टच्ड स्टोर्ड मेड एंड ट्रांसपोर्ट और सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन चार पॉइंट्स पर यहां पर डिफरेंस किया गया है तो यहां पर आप इजीली प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड बिजनेस का डिफरेंस समझ सकते हैं प्रोडक्ट जो जनरली आपने कहीं से परचेज किया सामान और उसको बेचा तो ये प्रोडक्ट बिजनेस हो गया सर्विस आपने किसी प्रोडक्ट को लिया और उसको ठीक करके दिया यानी आपने उसको सर्विस दी किसी भी तरीके की सर्विस हो सकती है तो ये एक एग्जाम्पल है तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल यूज करके आंसर अपना कंप्लीट कर सकते हैं सोइल इरोजन तो ये यहां पर आपने बिल्कुल ज्योग्राफी आपने पढ़ी रहे होंगे साथ साथ तो वहां पर जो डेफिनेशन आप डालेंगे दो या तीन तरीके की डेफिनेशन हो सकती है एक डेफिनेशन ने यहाँ पर पुट की है तो आप यहाँ पर सॉइल की डेफिनेशन लिख देंगे वट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए उसको कॉम्प्रोमाइज ना करे लेकिन फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी ध्यान रखते हुए नेचर को भी नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा डेवलपमेंट कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी यहां पर भी कोई चार करने हैं छह क्वेश्चन है ये भी दो नंबर के क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन है यहां पर आई और आई को डिफाइन करना तो ये आई और आई की डेफिनेशन आ गई है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द वेरियस यूजेज ऑफ आई टी इन अ लाइब्रेरी आई का लाइब्रेरी में क्या यूज है तो यहां पर आई टी लाइब्रेरी का यूज हमने लिख दिया है कि भाई आप सिंपली बुक को रिकॉर्ड कर सकते हैं या बुक का डेटा आप कहीं भी फाइंड कर सकते हैं किसको इशू की गई ये सब चीजें देख सकते हैं टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स क्या होता है ये डिफाइन करना है आपको दो नंबर के क्वेश्चन में होम कीज और गाइड कीज तो यहाँ पर ये आपको आंसर कंप्लीट मिल गया है ए एस डी एफ एल के जे आपके होम कीज का पार्ट हो जाते हैं जबकि एफ और जे आपकी गाइड कीज का पार्ट हो जाते हैं ट आर असेंशियल फॉर मेल मर्ज मेल मर्ज के लिए कौन से दो डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं तो पहला है आपका डॉक्यूमेंट जो लेटर है और दूसरा है मेलिंग एड्रेस लिस्ट दोनों को ही मिलाकर के मेल मर्ज कंप्लीट होता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग एक्चुअल में होती क्या है जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप कुछ टाइप करते हैं एडिट करते हैं प्रिंट करते हैं डेटा को रिट्रीव करते हैं फॉर्मेट करते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर कहलाता है और ये जो पहली बार यूज हुआ

वट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ हेल्थ केयर वेयर आई टी इज यूज तो आई टी हेल्थ केयर में कहाँ यूज होती है तो ये पूरा का पूरा एक हमने जो बुक के अंदर स्क्रीन शॉट था वो यहाँ पर लगा दिया है आंसर के लिए तो आप इतना लिखेंगे और एकदम सटीक लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टी का बैंकिंग में क्या यूज है तो बैंकिंग में बहुत सारे यूज हैं आर टी जी एस है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ए टी एम की मशीन के थ्रू यूज होता है और आप जनरली आप कोई भी चीजें स्वाइप करते हैं और परचेज करना इजी हो गया ई e कॉमर्स के अंदर तो सब बैंकिंग की वजह से ही है तो ये आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं जरूरी नहीं है मैं फिर कह रहा हूं कि आप इन्हीं वर्ड्स का यूज करें आप अपने हिसाब से भी चीजों को डिफाइन करके लिख सकते हैं और मेरा पर्सनली सजेशन यही रहेगा कि आप यहां से पढ़ें और पढ़ने के बाद हमेशा अपनी लैंग्वेज में ही आंसर लिखें वो सबसे बेस्ट रहता है वर्ट यू अंडरस्टैंड बाई फाइंड एंड रिप्लेस कमांड एक्सप्लेन ब्रीफली तो फाइंड और रिप्लेस जनरली किसी भी वर्ड को सर्च करना और उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना ये फाइंड का रिप्लेस का काम है क्या स्टेप्स है? है. है, of तो हैं वो यहाँ पर मेंशन है है क्वेश्चन नंबर आता लिस्ट द वेरियस कॉम्पोनेट ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट तो लिब्रे ऑफिस सूट में जनरली तीन कॉम्पोनेंट है पहला है ओपन ऑफिस राइटर दूसरा है आपका ओपन ऑफिस कैल्क और तीसरा है आपका ओपन ऑफिस इम्प्रेस तो ओपन ऑफिस कहिए या फिर लिब्रे ऑफिस कहिए दोनों ही एक तरीके के तो नहीं है एक जैसे ही सॉफ्टवेयर है दोनों ही आपके एफ हैं यानी फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं तो यहां पर आप इन तीनों कॉम्पोनेट्स के बारे में एक एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज अवेलेबल इन अ कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने तरीके की कीज होती हैं है न्यूमेरिक कीज हैं पंचुएशन कीज हैं ऑल्ट कीज हैं एरो कीज हैं शिफ्ट और ऑल्ट कीज हैं बैक स्पेस की हैं कैप्स लॉक की हैं तो ये आपको ध्यान करनी पड़ेगी याद करनी पड़ेगी तो यहां पर ये क्वेश्चन पेपर जो है ट्वेंटी वन क्वेश्चन पर जाकर के कंप्लीट होता है और इसमें से कोई आपको तीन क्वेश्चन अटेंड करने थे तो कुल मिला के ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी हैं और आंसर्स भी हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है कि अभी आपके फाइनल एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे और आपको ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा आपको इसके बारे में कुछ कहना है कुछ कमियां इसमें रह गई हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए